इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। बहराइच राज्य पर विभाग बहराइच द्वारा स्थानीय होटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना के दौरान मृत्यु व्यापारियों के परिजन को 10-10 लाख की धनराशि के डेमो चेक का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान देव एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर स्वर्गीय विनोद तिवारी के उत्तराधिकारी पुत्र देवांश तिवारी, कामेंद्र एंटरप्राइजेस के स्वर्गीय कामेंद्र कुमार सिंह के उत्तराधिकारी पत्नी श्रीमती ममता सिंह व सतनाम उद्योग के प्रोपराइटर स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद के उत्तराधिकारी श्रीमती अमरप्रीत कौर को धनराशि 10-10 लाख रुपए की धनराशि के डेमो चेक का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त सी के गौतम द्वारा बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में 3 व्यापारियों को बीमा योजना का लाभ दिया जा चुका है। राज्य कर विभाग की ओर से उपायुक्त सी के गौतम, योगेश द्विवेदी, सहायक आयुष मधुसूदन सिंह, कमलेश तिवारी, शैलेंद्र कुमार एवं राज्य कर अधिकारी श्रीमती सूचि राय, नक्षेत प्रसाद व सुभाष चंद्र द्वारा बीमा योजना के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की सराहना करते हुए व्यापारियों को जागरूक रहने और व्यापार की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। अधिवक्ता जमील अहमद फारूकी ने योजना की तारीफ करते हुए बताया कि दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने की दशा में पोस्टमार्टम में प्रथम सूचना रिपोर्ट का विशेष ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर उद्यमी कुलभूषण अरोड़ा, दीपक सोनी, ब्रजमोहन मानकहेलिया, मनीष मल्होत्रा एवं नवनीत अग्रवाल, गौरी शंकर भानी राम का, शीतल अग्रवाल, गौरी शंकर भानी राम का, रितेश गुप्ता, भगवान मित्तल, विजय मित्तल, विनोद अग्रवाल, इमरान अहमद सहित अन्य संबंधित उद्यमी वे व्यापारी, अधिवक्ता विवेक कुमार श्रीवास्तव वे अन्य सदस्य मौजूद रहे। और क्या है इसका मकसद? 3 लोगों को आज चेक प्रदान किए गए हैं, 10-10 लाख रुपए की धनराशि है, जो इससे पहले पूर्व में 5 लाख थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा करके 10 लाख कर दिया है। और ये एक बहुत आदर्श योजना है कि जिंदगी के बाद भी, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे विभाग में पंजीकृत था, इसलिए 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन की राशि उनके बच्चों तक पहुंचाई जा रही है। ये योजना अपने आप में बहुत आदर्श है। कितने लोगों को आज लाभ मिला? आज 3 लोगों को धनराशि पहुंचाई गई और उनके खाते में ट्रांसफर हो गया है पैसा, जिनकी विधवा यहाँ आई हुई है, जिनको अभी आप लोगों ने देखा। और क्या अपेक्षा है इसमें कुछ नया करने की? रेट ऑफ टैक्स कम हो, करप्शन कम हो। रेट ऑफ टैक्स कम होगा तो लोगों को प्रोत्साहन, देखिए इससे कुछ नहीं होगा कि आप कहेंगे साहब जब आप मर जाएंगे तो हम 10 लाख रुपए देंगे आपको, उसके लिए मरना जरूरी है, मगर रजिस्ट्रेशन होने के लिए रेट ऑफ टैक्स का कम होना जरूरी है। जब रेट ऑफ टैक्स कम होगा तो आपकी टर्नओवर बढ़ती जाएगी और काफ़ी लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने से एक आत्मसम्मान भी तो हमें मिलता है। हम कहीं जाके कह सकते हैं कि साहब हम रजिस्टर्ड डीलर हैं, हम टैक्स देते हैं, हम ये समाज की संरचना में जो विकास हो रहा है, जो नहर बन रही है, पुल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, उसमें हमारा योगदान है, हमारे पैसे की ईंटें लग रही हैं इसमें, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है ये। मगर सवाल ये है कि आप डायमंड पर तो आप जो कहें 0.5% टैक्स है, और जो बच्चों के खाने वाले बिस्कुट पर 7% टैक्स है, तो ये सब बातें जो अनियमितताएं हैं उसके लिए फोरम बने, जो स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद वो एक देखें जीवन की रोज़ की ज़रूरतों की चीज़ें सस्ती हों और जो चीज़ें विलासिता की हैं उन पर दाम बढ़ जाए या टैक्स कुछ बढ़ा लिया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं, मगर बच्चों के और महिलाओं के और किताबों कापियों तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक नीड्स हैं, जो सीधे गार्जियन पर बोझ पड़ता है। अब बताइए स्कूल की फीस तो हम दे ही रहे हैं और उसके बाद आप महिलाओं का भी करना चाहिए। धन्यवाद। और शंका जमील अहमद फारूकी, मैं 7वां टर्म इस बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद पर आज हूँ। और उद्यम की श्रेणी में आते हैं उनको सरकार के खिलाफ मदद करेंगे। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।